कनाडा में स्प्रिंग चल रहा है ये तो आपको बताया ही था मैंने कुछ वीडियोस में, जब कॉस्को गए थे तब भी स्प्रिंग चल रहा था, अब कनाडा में समर्स आने वाले हैं, तभी तो यार बिना जैकेट के बाहर बड़े आराम से खड़े हो सकते हैं, और बाहर बैठकर चाय पीने का मौसम आ गया है, अब बाहर घूमने का बहुत मज़ा आएगा। वैसे तो इतना लॉकडाउन चल रहा है कहीं ज़्यादा घूमने गए भी नहीं है, लेकिन वॉलमार्ट गए थे और कॉस्को गए थे। अब पता है क्या, जब भी मैं इंडियन ग्रॉसरी की शॉपिंग करने जाती हूँ ना इंडिया बाज़ार या इंडियन ग्रॉसरी शॉप्स पे, हमेशा लगता है मुझसे नाराज बैठी हुई है यार। उनको लगता है वॉलमार्ट की वीडियो बना ली है, कॉस्को की वीडियो बना ली है, हमारी वीडियो कौन बनाएगा? तो आप लोगों का मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर मैंने आज इंडियन ग्रॉसरी शॉप की वीडियो नहीं बनाई है तो उन्होंने मुझसे पक्का नाराज हो जाना है। पता चल गया कहाँ जा रहे हैं आज हम? हाय गाइस, मैंने भी हाय नहीं की थी अमी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वी आर गोइंग टू इंडिया बाजार। ओके, वी नीड सम मनी। तो वैसे ही पता है लिम्का पीने का ना बहुत दिनों से मन कर रहा है, और लिम्का सिर्फ इंडिया बाजार से मिल सकती है और कहीं नहीं मिलेगी, और गुड़ खत्म हुआ है, वो जीरे वाला गुड़ होता है ना, नहीं सौफ वाला मीठा गुड़ होता है ना, वो खत्म हो रखा है, उसके बिना हमारे घर में काम नहीं चलता भाई, गुड़ खाने के बाद चाहिए ही होता है। और क्या खत्म है, कुछ इंडियन मसाले खत्म है, काले छोले खत्म है, मतलब अल्टीमेटली सारा इंडियन ग्रॉसरी का जो सामान है ना उसकी एक लंबी सी लिस्ट तैयार है, तो चलो चलते। तो पहुंच गए हैं हम ब्रैम्पटन, और ब्रैम्पटन में बहुत सारे एशियन सुपरमार्केट्स हैं, आपको इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, चाइनीज, हर तरह की ग्रॉसरी पूरी मिल जाएगी। तो मैं ये नहीं कहूँगी हाँ ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, आप लोगों को पता ही होगा यार कि अब कनाडा में सब कुछ मिलता है। लेकिन आज हम आए एक नए इंडिया बाज़ार, इंडियन पंजाबी बाज़ार। अब यहाँ पर पंजाबी स्पेशल क्या मिलता है मेरे को भी नहीं पता, मैं भी यहाँ पर पहली बार जा रही हूँ, तो देखते हैं कि क्या क्या मिलता है मिलके। आ जाओ आ जाओ। बैंगन के भरते के लिए, बैंगन 1 pound है $1.69 का, मतलब 450 ग्राम $1.69। इंडिया में कितने का मिलेगा यार एक बैंगन? और करेले अमित की मम्मा के फेवरेट है, और ये हल्दी देख रहे हो, मैंने ना कोरोना में लोगों ने बोला कि हल्दी बहुत यूज़ करो, 10 बार खरीदी है, बट पता ही नहीं चला यार कैसे यूज़ करें, हमेशा फेंकी है, हमेशा ख़राब हो गई, तो इस बार नहीं लूँगी मैं। और भिंडी यार मम्मी को ना भिंडी लेनी नहीं आती, मुझे लगता है कि बड़ी पकी हुई होती है वरना ख़राब निकलेंगी। हरी मिर्ची लेनी है, यहाँ पे ना हरी मिर्ची बाकी सब्जियों के साथ फ्री नहीं मिलती, पे करना पड़ता है। इंडिया में कैसे आप धनिया और मिर्ची फ्री ले लेते थे ना, दुबई में भी छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ पे आप जाओगे तो यार धनिया और मिर्ची फ्री मिल जाती है, कनाडा में ऐसी कोई शॉप नहीं है यार जहाँ पे जो फ्री डालकर दे देता हो। तो भिंडी, अच्छा ये सॉफ्ट वाली भिंडी है शायद, इंडियन ओकरा, और ये इंडियन ककड़ी। वाओ, यार यहाँ पे पता है मैं इंडिया के वो छोटे छोटे नींबू होते हैं ना वो बड़े मिस करती हूँ, कि यहाँ पे नींबू इतने बड़े बड़े ही होते हैं। ये है इंग्लिश कुकुम्बर, ये है मिनी कुकुम्बर, और ये है हमारे इंडिया के कुकुम्बर, और ना इनके बजाय ये अपने इंडिया के कुकुम्बर लग रहे हैं यार। याद है गर्मियों में पापा काट के देते थे। मतलब इंडियन कुकुम्बर तो ये है। तोरी यहाँ पे मिल रही है $1.59 per pound, ये कॉस्को पे से ले सकते हो, वहाँ पे बहुत सारी सस्ती मिल जाती है। आजकल इंडिया में टमाटर का भाव क्या चल रहा है भाई, कनाडा में तो $1.39 per pound चल रहा है।
और मुझे याद आया कि हमारी वॉलमेट वाली वीडियो में एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि शिल्पा कनाडा में ऑयल कैसे मिलते हैं, वेजिटेबल ऑयल, कोकोनट ऑयल, वो बताओ। तो यहाँ पर आपको एक ऑयल का सेक्शन भी कवर कराएंगे। पपाया ले लें, और पके हुए पपीते हैं, वरना पपीते पके हुए मिलते नहीं हैं कभी। एक पपीता भी ले लेते हैं, पपीता मिल रहा है $1.79 पर पाउंड। इंडिया के सामान की वैल्यू बताऊं, ये है इंडियन प्याज, रेट देखो $5.99 पर पाउंड। और ये हैं अपने दूसरे रेड अनियन जो कनाडा में शायद होते होंगे, $2.49 पर पाउंड। इंडिया के प्याज ना डबल से भी ज़्यादा के मिलते हैं यहाँ पे, ये वैल्यू है इंडिया के सामानों की। चीकू, और वो इंडिया में वो जो प्लम होते हैं ना, आलू बुखारे वाले प्लम, बिल्कुल वो वाले प्लम्स हैं, रेड वाले। इंडिया में तो समर आई गई हैं, तो मतलब इंडिया में आमों का सीजन चल रहा है, आप लोग सारे वहाँ पे बैठकर आम खा रहे होंगे। तो भाई आम तो फिर हमारा खाना भी बनता है, वॉलमार्ट से आम लेने की बजाय ना यहाँ से आम लेने चाहिए। जिन्होंने मुझसे पूछा था कि कनाडा में कौन से ऑयल मिलते हैं, अगर वो वीडियो देख रही है तो मैडम, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल, कनोला ऑयल, एवोकाडो ऑयल, कनोला वेजिटेबल ऑयल, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पीनट ऑयल, और इसके अलावा कोकोनट ऑयल भी मिलता है, और इंडियन कच्ची धानी मस्टर्ड ऑयल भी मिलता है। ये सौंफ वाला पंजाबी गुड़ जिसकी हम बात घर पे कर रहे थे, लेकिन पता है डब्बे में भी मिलता है, तो मैं पैक्ड बॉक्स वाला लूंगी। वैसे ये सारी इंडियन मिठाई फ्रोजन है, जिसमें आपको बादाम बर्फी, मोतीचूर लड्डू, बेसन के लड्डू और काजू रोल्स, खोया, मिल्क केक सब मिल जाएगा। लेकिन यहीं पे एक स्वीट शॉप भी है जहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें आपको फ्रेश में मिल जाएंगी। अब जैसे अगर ये मोतीचूर लड्डू की बात करें, तो ये 350 ग्राम मोतीचूर लड्डू आपको $7 के, $6.99 के मिल रहे हैं। और बेसन के लड्डू $3.99, और मिल्क केक मिल रहा है 400 ग्राम $8.99 का। मूंग दाल हलवा $6.99, और कितने ग्राम्स है ये, 500 ग्राम्स, आधा किलो $6.99 का। पार्ले जी मेरी मम्मा के फेवरेट हैं और मेरे भी, और ये हैं कितने के, 99 सेंट्स, मतलब $1। अब आप मुझे बताओ कि इतना बड़ा पैकेट पार्ले जी का इंडिया में कितने का मिलेगा, और पता है हमें क्या मिल रहा है, रू अफजा। अब सब कहा है ना आपको कि समर्स आने वाली हैं, तो वो भी कौन सी समर्स यार जिनमें रू अफजा ना हो घर में। बाबा रामदेव के फैन ना यहाँ पर भी हैं, पता मैंने बाहर कहा था मैं ये नहीं बोलूँगी, हाँ ये भी मिलता है वो भी मिलता है, क्योंकि आपको पता ही है कनाडा में सब कुछ मिलता है, लेकिन इंडिया में फर आके ना हम जो इंडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं। मतलब हम हर बार इंडिया में फर आकर ये सोचते हैं वाह यहाँ ये भी मिल रहा है। तो यहाँ पे पतंजलि का ब्रह्मी शरबत, गुलाब शरबत, खस शरबत, मैंगो पन्ना, खस शरबत, पता नहीं क्या क्या मिल रहा है यार। लेकिन पता है यहाँ कितने का मिल रहा है, अब अगर मैं पतंजलि मैंगो पन्ना की बात करूँ तो यहाँ पे ये मिल रहे हैं $5.99 के, $6 के आसपास के। आप नीचे बताओ मुझे कि पतंजलि के ये सारे पन्ने और शरबत इंडिया में कितने के मिलते हैं। पतंजलि का एलोवेरा जूस यार, ये ना इंडिया में मेरे घर पर भी है, अब मुझे नहीं पता मेरे पापा कितने का लाते हैं, बट यहाँ पे ये $14 का है। और आंवला जूस यार, ये दो चीज़ें ना बड़ी अच्छी हैं, घर पर भी हमेशा होती है मेरे, लेकिन यहाँ पर पापा को भी बताऊँगी कि यहाँ पर भी मिलता है भाई। त्रिफला जूस, करेला जूस, नीम जूस, जामुन जूस,
कई बार तो मुझे लगता है कि इंडिया से ज़्यादा चीज़ है ना इंडियन कनाडा में मिलती हैं। अब मुझे लेना है रागी, रागी का केक बनाना यार मुझे प्रियंका से रेसिपी लेके। रागी फ्लावर यहाँ पे ये है 907 ग्राम्स, कितने का है वो लिखा नहीं हुआ, कहीं और लिखा होगा पता नहीं। और मुझे लेनी है फूजी, फूजी है 4 LB मतलब 1.8 kg $3.99 की। अब आपको पता है ना आपको क्या करना है, आपको नीचे कमेंट में लिखना है इंडिया में फूजी 1.8 kg कितने की मिलेगी। बात है ना कई बार मुझे लगता है कि इंडिया से ज़्यादा चीज़ें यहाँ कनाडा में मिलती हैं इंडिया वाली। अब आपको बताओ यहाँ पे क्या क्या है, आंवला, अक्कर करा, यार क्या होता है ये अक्कर करा बताओ जरा, और शंख पुष्पी और फिटकड़ी, मुल्तानी मिट्टी ये ले लेती हूँ यार, एक है कितने की 200 ग्राम मुल्तानी मिट्टी 200 ग्राम $3 की है मतलब क्लोज टू 150 रुपये की। यार मेरे को पता है इंडिया में शायद मेरे टाइम पर जब मैं इंडिया में खरीदती थी ना 10 रुपये की आ जाती होगी इतनी, आजकल कितने की आती है। तुलसी पत्ता 4 गोंद, भकरा पाउडर क्या होता है भाई त्रिफला, कलमी शोरा, बताओ यार आपने इंडिया में भी कभी ऐसी बात ऐसी चीज़ों का नाम सुना है, फेना लीव, पता नहीं मैंने नहीं सुना बट इंटरेस्टिंग। अब ये है गेहूं के आटे का सेक्शन, अलग अलग तरह के ब्रांड्स के मिलेंगे, ये ऑर्गेनिक गेहूं का आटा है, मल्टीग्रेन फ्लावर, दीप चक्की आटा 20 पाउंड मिल रहा है $9 का, 20 पाउंड मतलब क्लोज टू 10 किलो 9 किलो के आसपास $9 का। यार ये पता है ये निवार वाले फोल्डिंग बेड्स गर्मियों में जब छत के ऊपर सोते थे इनको बिछा के $60 का है यार एक ये, नाइस मैन। और यहाँ पे हैं हर तरह के चावल। अब मैं आपको बताऊँ सबसे प्रीमियम बताते हैं भाई, लाल किला बासमती राइस 10 पाउंड्स मिल रहा है $17 का, इंडिया में कितने का है, और इंडिया गेट भी होगा यहाँ पे, कमाल है इंडिया गेट ही नहीं है। डब्बे में मसाला गुड़ सौंफ वाला, वो इंडिया में याद है दादी माँ बेकरी में जाकर बिस्किट्स बनवा कर लाती थी, घी आटा और दूध वगैरह सब ले जाके, बिल्कुल वही टेस्ट आता है बिलीव मी। और ये हैं ये नमकीन बिस्किट्स भी हैं यहाँ पे और मीठे बिस्किट्स भी हैं, $7 का पैक है, लेकिन पता है एक और इंडिया बाज़ार है जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर ये $5 का पैक भी आता है, तो मेरे ख्याल से शायद क्वान्टिटी कम होती होगी। चाय पियोगे, कौन सी पीते हो, हम लोग पीते हैं रेड लेबल, आप रेड लेबल की ताजमहल की लिप्टन या फिर टेटली, लेकिन ना एक है जो बहुत टेस्टी होती है, वाघ बकरी, यस तो हम इस बार वाघ बकरी चाय लेंगे। और ये है बिल्कुल इंडियन टेस्ट की चटनियाँ, कोरिएंडर, टैमरिंड, अचारी मैंगो, इस बार ये अचारी मैंगो ट्राई करें, ये सारी की सारी है 2.99 की 100 ml। अमित आप कौन सी खाते हो, कौन सी लेनी है, ये कोरिएंडर सिलेंड्रो ये वाली पक्का, तो भाई हमारी भी ये ख़त्म हुई पड़ी है तो एक उठा लेते हैं। काला चना $4.48 का 4 LB, यार अपना नाम लो किसी दाल का, और सारी दालें यहाँ पर हैं, हरी मूंग दाल भी है, काबुली चने भी हैं, काले चने भी हैं, ये इस दाल को क्या कहते हैं, हम तो इसको माँ की दाल कहते हैं यार उड़द स्प्लिट भी है, तुअर दाल भी है, राजमा तो यार हर जगह मिल जाते होंगे, और ये क्या है मोठ, ये है ये भी एक उड़द दाल है, काले राजमा, हरे चने, इनको भी ले लूँ कभी बनाया नहीं है, हरे चने भी इधर बना कर देख लेते हैं, ग्रीन चना, ये ग्रीन चना मिल रहा है 2 pounds $3.98 का, और बताया था ना आपको कि मरुंडे खाने का मन कर रहा है जो लोहड़ी पे मिलते हैं,
ये भी हैं और तिल वाले भी हैं, कौन से ले बताओ। और ये देखो ये देखो, ये लूंगी नहीं मैं क्योंकि मैं फिर ना रुक नहीं सकती हूँ, खाती रहती हूँ। यस ये देखो यार, ये गज्जक, जब पिछली बार अमित के मम्मा आए थे ना यहाँ पे, तो ये घर में ना ख़त्म नहीं होती थी, और इतनी खाइए फालतू की कैलोरीज बढ़ाते रहे। अब मैं लूंगी नहीं क्योंकि अगर ले ली फिर खाते रहेंगे। पता नहीं यार, इतना सारा सामान आपको दिखाने की एक्साइटमेंट में खरीदा या सच में चाहिए था मुझे। पता है यार, जब मैं कनाडा आई थी ना, तो अपने एक सूटकेस में ना बड़े सारे स्टील के बर्तन लेकर आई थी कुकिंग के लिए, क्योंकि मैं नॉन स्टिक में कुक नहीं करना चाहती थी सारा। और मुझे लगा पता नहीं कनाडा में यार स्टील के बर्तन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बट ये देख रहे हो यार, सारे स्टील के नॉन स्टिक प्रेशर कुकर, वो जो इंडिया में सीटी वाले प्रेशर कुकर होते हैं ना, वो भी मिलते हैं। और जो लोग इंडिया से कॉपर के गिलास और कॉपर के जग लेकर आएंगे, जैसे मैं भी लेकर आई थी बेवकूफ़ी करके, वो ऊपर देखो सारे अच्छे अच्छे कॉपर के जग मिल रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल गिलास है यार, ये गिलास है $8 का। तो मैं सोच रही हूँ, ये देखो ये अंदर से कॉपर का है, बाहर से स्टील का लग रहा है, ये है $10 का। यहाँ पे इंडियन पताशे भी मिल रहे हैं यार। मैं ना मीठा अभी थोड़ा कम किया हुआ है, वरना मैं ले लेती, बट छोले ले सकते हैं यार। आई टेक दिस। ये स्नैक्स कॉर्नर है जिसमें आप अपनी कैलोरीज जम के बढ़ा सकते हो। इलायची ऊपर बोरी, तो इलायची फाइनली मिल गई है हमें, लॉन्ग रह गए हैं वो अभी भी नहीं मिले हैं। और यहाँ पे ना लिमका नहीं मिलती है, दूसरे इंडिया बाजार में लिमका पक्का मिलती है। मेरी मम्मा कहती है इस झाड़ू से झाड़ू नहीं मारो तो झाड़ू ही नहीं लगती। और वो तिल्ले वाली झाड़ू, ये मिल रही है स्वाद की गोली, ये तो मुझे पता ही था यहाँ पे मिलेगी। पता नहीं इंडिया में भी मिलती है कि नहीं मिलती। ये भी बिल कराना है, याद है वॉलमार्ट पे $100 का चैलेंज लेकर गए थे और कितना सामान लेकर आए थे, दो एक हफ्ते की ग्रॉसरी लेकर आए थे, बट यहाँ पर भी सामान कब नहीं खरीदा यार, $91 में छूटे हैं। लिमका मिल रही है, कोई भी इंडियन शॉप बिना लिमका के फिनिश नहीं होती है, तो लिमका यहाँ पर भी मिलती है भाई। हम अब बिल करा चुके हैं, तो अब दिखी है और थम्स अप भी मिल रही है यहाँ पे। तो चलते चलते आपको लिमका भी दिखाई दी हमने, है ना। तो अब हमने बड़ी सारी शॉपिंग कर ली है आपको इंडिया बाजार घुमाने के चक्कर में, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमने तो $91 पे किए हैं, आपको सिर्फ लाइक करना होगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अपना ध्यान रखिए, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।